हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इन कोल्ड कंट्रीज इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स फॉर बोथ विंटर एज वेल एज समर सीजन्स, एक्सप्लेन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो यहां पे देखिए क्या होता है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इथिलीन ग्लाइकॉल डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो अगर वेपर प्रेशर वाटर का घट जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है उसका मतलब क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर जो है वो बॉइल नहीं करेगा, आसानी से वो बॉइल नहीं करेगा रेडिएटर में। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है उसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो फ्रीज नहीं होगा। सो विंटर में ये जो कोल्ड कंट्रीज है उसमें क्या होता है, विंटर में आप देख जानते हैं कि जो टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, तो अगर उसका 0 डिग्री पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था तो क्या होता है, कार रेडिएटर्स में जो पानी था वो सारा का सारा जम जाता। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा या फिर डिप्रेस्ड हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो फ्रीज नहीं करेगा। दैट इज वाई इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन कार रेडिएटर फॉर बोथ समर एंड विंटर सीजन इन कोल्ड कंट्रीज। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।